फ्रेंड्स, क्या आप अक्सर व्हिस्की को सोडा से पीते हैं? तो फिर सावधान हो जाइए, सोडा से व्हिस्की को पीना एक बहुत डेंजरस एक्ट है। कभी भी सोडा के साथ व्हिस्की को पीना नहीं चाहिए। अब ये मेरे बात को सुनने के बाद आपके मन में ख्याल आया होगा कि भाई पूरे इंडिया में सब व्हिस्की को पीते हैं सोडा के साथ, तो दादा आज क्या नया बता रहा है, क्यों बता रहा है ऐसा? फ्रेंड्स, काफी इंटरेस्टिंग ये वीडियो है, वीडियो को देखिए, आपको पता चल जाएगा कि सोडा के साथ व्हिस्की को क्यों पीना नहीं चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, इफ यू आर अ ड्रिंक एंथुसियास्ट देन यू मस्ट जॉइन आवर 10 डेज ऑनलाइन बारटेंडिंग कोर्स, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चलिए मिलते हैं कोर्स। फ्रेंड्स, अगर एंटायर वर्ल्ड की बात की जाए तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी व्हिस्कीज को पूरे वर्ल्ड जो है वो नीट पिया करते हैं। नीट मतलब एक ग्लास में 60 या 30 ml व्हिस्की एंड दैट्स ऑल। ये जैसे कि मैंने 30 ml उसकी पोर कर लिया और इसी को आहिस्ता आहिस्ता पिया जाता है। बट हम इंडियन व्हिस्कीज को अक्सर इसमें सोडा, पानी, वाटर, आइस, न जाने क्या क्या डाल के पीते हैं। गलत है जो हम लोग जिस तरीके से पीते हैं व्हिस्की को, वो गलत है। पहले हम लोगों को जानना चाहिए कि हम लोग ये हरकत क्यों करते हैं, हम लोग सोडा को क्यों मिलाते हैं व्हिस्कीज में। क्योंकि व्हिस्की में अल्कोहल परसेंटेज है 42.8, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक अल्कोहल है। अगर हम लोग डायरेक्ट नीट पियेंगे तो वो हर्शनेस का हम लोग फील कर पाएंगे, वो जलन को हम लोग फील कर पाएंगे, और इसलिए इसमें हम लोग सोडा, पानी, वाटर, इन सब चीज़ को मिला के इसको थोड़ा डाइल्यूट कर लेते हैं और उसके बाद पीते हैं। बट यहाँ पर एक बहुत बड़ा फैक्ट है, शायद आप ये जानते नहीं हैं कि हम इंडियन का जो पैलेट है वो है स्वीट। कुछ भी स्वीट हम लोग पीना पसंद करते हैं। अगर विश्वास नहीं होता तो मेरा ये जो एग्जाम्पल है इसको ध्यान से सुनिए। इंडिया में अगर आप व्हिस्की में सोडा को मिलाते हैं तो ये जायज़ है। जायज़ इन द सेंस, अगर आपका अगल बगल बंदा देख रहा है कि आप व्हिस्की में सोडा मिला रहे हैं तो वो कभी भी कुछ भी नहीं बोलेगा। बट अगर आप यही हरकत फॉरेन कंट्री में या स्कॉटलैंड में जाके सोडा मिलाते हैं सिंगल मॉल्ट में या बहुत अच्छे कोई व्हिस्कीज में, तो यहाँ पर सब आपके ऊपर हंसेंगे। हालांकि कुछ बोलेंगे नहीं बट हंसेंगे ज़रूर। जैसे कि बिरयानी में कोई ज़बरदस्ती दाल मखनी को ऐड करके मिला के खा रहा है। और अगर आप नोटिस करेंगे तो हम लोग कभी भी वाइन को जब पीते हैं तो उसको डायरेक्ट पीते हैं, उसमें हम लोग सोडा वाटर कभी भी मिलाते नहीं है। बट एक चीज़ नोटिस करने वाला बात ये भी है कि पूरे इंडिया में वाइन का अगर सेल का बात करूं तो 15% है, और व्हिस्की का अगर सेल का बात करूं तो मोर देन 50% है। मतलब वी इंडियन लव टू ड्रिंक व्हिस्की। बट इसमें जो मैं बताना चाह रहा हूं वो है कि हम लोग व्हिस्की में ट्विस्ट कर सकते हैं, हम लोग अपनी तरीके से व्हिस्की को पी सकते हैं, सोडा मिला के, पानी मिला के, आइस मिला के। वाइन में हम लोग कर नहीं सकते, इसलिए वाइन को ज़्यादातर हम लोग ठुकरा देते हैं या पीते नहीं है, क्योंकि वो जो बिटर टेस्ट है हम लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है वाइन का। बट व्हिस्की में वो जो बिटर टेस्ट है उसको डाइल्यूट कर सकते हैं सोडा, पानी, ये सब को मिला के। अगर मैं और एक एग्जांपल दूं तो आप समझ जाएंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। दार्जिलिंग टी इंडिया में सबसे फेमस है, बट एक बात बताइए तो कोई भी चाय के दुकान में क्या दार्जिलिंग टी मिलता है? आप जब जाइएगा चाय के दुकान में तो देखिएगा कि दूध और शक्कर से चाय को बना के आपको सर्व किया जा रहा है ना। इसका मतलब ये निकल के आता है कि हम इंडियन दार्जिलिंग टी को पसंद नहीं करते, क्योंकि दार्जिलिंग टी पीने के लिए आपको हमेशा रॉ पीना पड़ेगा, सिर्फ लिकर पीना पड़ेगा, उसमें आप दूध और शक्कर से उबाल के पी नहीं पाते हैं या पीना नहीं चाहिए। तो इसलिए हम लोग दार्जिलिंग टी को आराम से अवॉइड करते हैं और हम लोग वो दूध वाली चाय हमेशा पीते हैं। इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है कि हम लोगों का जो पैलेट है वो कुछ हद तक स्वीट है, इसलिए वाइन ज़्यादा नहीं बिकता है, व्हिस्की बिकता है। बट व्हिस्की में हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्विस्ट। बार बार मैं वही बोल रहा हूँ कि फॉरेन कंट्री में उसको नीट पीना पड़ेगा। अगर सच में व्हिस्की को नीट पीना पड़ता तो व्हिस्की का भी सेल आहिस्ता आहिस्ता डाउन हो जाता, हालांकि वो नहीं है। हम लोग आराम से व्हिस्की में सोडा, पानी, आइस डाल के पी सकते हैं, बिल्कुल ये जायज़ है इंडिया में। तो फिर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है, तो फिर हम लोग सोडा से व्हिस्की को पीते क्यों है? फ्रेंड, सोडा से जब भी आप व्हिस्की को पीजिएगा तो आपको बहुत
क्विक पंच देता है, मतलब आपका जो नशा है बहुत जल्दी चढ़ता है एज कंपेयर टू वाटर। रिसर्च में पाया गया है कि कोई बंदा सिंपली वाटर से विस्की को पी रहा है और कोई एक बंदा जो सोडा से पी रहा है, दोनों अगर सेम क्वांटिटी सेम टाइम पे पीता रहता है तो देखा जाता है कि जो सोडा से पी रहा है उसका इंटॉक्सिकेशन लेवल बहुत हाई हो जाता है। साथ साथ सोडा के साथ जब भी आप विस्कीज को पीते हैं तो वो बबली टेक्सचर आपकी पैलेट को बहुत डिलीशियस बना देता है, टेस्टी बना देता है, इसलिए अक्सर हम लोग पानी के बदले सोडा को मिलाते हैं। पास पास सोडा जो है ये एक यूनिवर्सल ड्रिंक है जो बड़ी आराम से हम लोगों को मिल जाते हैं और काफ़ी टेस्टी बना देने के कारण हम लोग अक्सर सोडा को इस्तेमाल करते हैं विस्कीज को पीने के लिए। तो फिर फाइनल क्वेश्चन में आते हैं कि फिर ये सोडा कैसे हम लोगों के शरीर में जाके हानि पहुंचा रहा है और क्यों। फ्रेंड यहाँ पर कह दूं कि सोडा से विस्कीज अगर आप एवरीडे पीते हैं, रोज पीते हैं, तब जाके ये बहुत हानिकारक है। कभी कभार पीते हैं, मतलब सप्ताह में एक दिन या दो दिन छोटा मोटा मॉडरेट ड्रिंकिंग करते हैं तो ये उतना हानिकारक नहीं है। हालांकि अगर आप रोज पीते हैं तो जाके ये बहुत खतरनाक एक ड्रिंक है। फ्रेंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना, रोज बिल्कुल पीना नहीं चाहिए। तो फिर कैसे नुकसान पहुंचाता है सोडा के साथ? जब भी आप विस्कीज को पीते हैं सोडा में जो फॉस्फोरिक एसिड है वो जो हम लोग का शरीर में घुसता है तो वो हम लोग का जो बॉडी का कैल्शियम है वो ब्लड स्ट्रीम में घुलने के बाद कैल्शियम को एक्सट्रैक्ट कर लेता है और यूरिन के जरिए वो बहुत क्विकली बाहर निकाल देता है। इससे क्या होता है, आपका जो बोन्स है वो नरम हो जाता है और इसका जो इफेक्ट है वो बाद में जाके खतरनाक रूप लेता है। तो इसलिए सोडा को कभी भी पीना नहीं चाहिए विस्कीज के साथ अगर आप डेली ड्रिंक करते हैं तो। साथ साथ ये भी याद रखिएगा सोडा काफ़ी वेलकमिंग होता है। जब भी हम लोग अल्कोहल के साथ सोडा को पीते हैं तो हम लोगों का जो बॉडी है उसको बहुत अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब भी करते हैं और क्विकली ब्लड स्ट्रीम में मिला देता है या पहुंचा देता है कार्बन डाइऑक्साइड को, और उससे होता क्या है आप बहुत जल्दी इंटॉक्सिकेटेड भी हो जाते हो, आपको जल्दी जल्दी चढ़ जाता है। तो आज का वीडियो से मैं आपको यही बताने का कोशिश किया कि इंडियन पैलेट क्या है और हम लोग क्यों सोडा को मिलाते हैं। साथ साथ हम लोग ये भी जाना कि सोडा पीने के बाद कैसा बॉडी रिएक्ट करता है और कैसे आप जल्दी और क्विकली इंटॉक्सिकेटेड हो जाते हो। क्यों सोडा पीना नहीं चाहिए अगर आप डेली ड्रिंकिंग करते हो, कभी कभार पीते हो कोई बात नहीं चलेगा। फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे बहुत जल्द एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। जय हो।